सारा प्रोग्राम अटेंड करके कोई बाहर निकलूगा उसकी चेकिंग होगी जे किसी ने दारू पीती आ। ब्याह दे विच तां दारू पींदे ने, उस तों बाद जिहड़े बाहर रोड ते ला लो, ढाबे ला लो, हाते ला लो, उत्थे भी दारू पी के तां एक्सीडेंट होंदे ने। ब्याह दा साल दे विच लगातार होंदे ने, ब्याह दा साल दे विच 40-50-60 हो सकदे ने। ये गौरमेंट नूं ये रूल कानून लागू करने तो पहला लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, ना कि पैलेस वाले टारगेट बनाने की जरूरत है। आपां नूं इस चीज़ नूं दूर किवें कर सकते हैं, उहदे लई आपां नूं एक बहुत वड्डी पॉलिसी बनानी पएगी, लोगों को अवेयर करना पएगा, हर बंदे नूं दसना पएगा इहदे आ फायदे है, इहदे आ नुकसान है, तां ही लोगों को पता लगेगा। खाली आपां एक फैसला कर दिए कि एक पर्टिकुलर जगह पर ही शराब ज़्यादा चलती है, वह नहीं नहीं मैनू जायज़ लगता। मैं जो तो आप खुद ड्राइव करता असी देखते हैं, तुम मैं तुम्हें दसदा तुम कभी भी तुम चंडीगढ़ रोड से चले जाओ, लुधियाना तो चंडीगढ़ रोड से, हाँ जी शाम को हर ठेके उत्ते हाईवे के उपर ठेके है, हाईवे के उपर हाथे है। मेरे ख्याल कोई ठेका योजा नहीं मैंने दिखता हूँ जिते भी 30-30 कारा नहीं खड़िया होंगे या वे वहीकल नहीं खड़े होंगे कि लोग उत्ते शराब नहीं पीते। उत्ते हम ठेके से या कोई होर जगह तो शराब पीने वास्ते रुके हुए हैं, तो उन्होंने लोगों के क्यों नहीं करते कि तुम सख्ती। और ये चाहिए इन्हों है कि पंजाब सरकार जिमें चंडीगढ़ के चलता है ड्रिंक एंड ड्राइव ड्राइव चलती है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं उन्होंने रखिया, उन्होंने एक रैंडमली रखिया भी असं कितने भी चैक कर सकते हैं। और लोगों के मन च कानून का डर योजा बैठ जाना चाहिए भी असी सड़क पर कितने भी चाहे शराब पी के जो गड्डी चलावे ना असी पकड़े जा सकते हैं।